नमस्कार जी। आज आप आया खरड़, न्यू सनी निकले पोर्स पाइप का काम कर। पोर्स पाइप जो कि एंटी टर्माइट पाइप, जिसमें आप कहते हैं एंटी टर्माइट पाइप होनी है, जिथे काम चल रहा है। ये देख लो, आप जो भी कोई पाइप पानी होंगी तो आप दीवारों के नाल नाल मिट्टी कढ़नी होंगी है। सारे पास मिट्टी कढ़नी, मैं तुम्हें एक बार दिखा देना सारा एरिया। ये एरिया है जी किचन, वॉशरूम, ड्राइंग रूम, जिन्ना भी एरिया होगा सारे एरिए जोड़ा कि आप पाइप में क्रॉस करवाना, क्रॉस करवाना है, पाइप लगाना है एक साइड पर। जिन्ना भी एरिया होगा तुहानू नाल नाल दिखाते रहेंगे वीडियो दे विच। पाइप जी 19.5 mm की पानी है, पोरस पाइप, वो भी तुम दिखा दें। ये हिल्टी मशीन है जिदे नाल आपने आर पार पाइप में करना है। और ये जिहड़ा पाइप है 19.5 mm पाइप है, बहुत वधिया लाइफ टाइम पाइप है, लाइफ टाइम तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। को बस स्लो 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 देखा जा। नमस्कार, आज आप आया खरड़ सनी निकलेव, पोरस पाइप का काम चल रहा है। तो तुम दिखा रहे हैं आप पोरस पाइप, जिसमें कि आप एंटी टर्माइट पाइप भी कह दें, किस तरह अपने पानी है कि दीमक ना लगे घर के, हर 5 साल 4 साल बाद कैमिकल पाओ पूरे घर के फैल जाए और दीमक ना घर आ सके। वो आप दस रहे हैं किस तरह पानी होंगी पाइप। सब तो पहला मिट्टी का लेवल होना चाहिए, मिट्टी का लेवल मीनस के कोई गटका या कच्चा नहीं किया होना चाहिए पूरा घर बनने तो बाद। मिट्टी जिस तरह हम देखो ये तो दिख रही होनी मिट्टी, तो आप साइडा तो जिहड़ा कि जगह छड़ानी होंगी। ये जिहड़ा लेवल है डी पी सी लेवल है, इस तो 2-3 इंच तक नीचे आपने जिहड़ा कि खड्डे मार के जगह बना के फिर आपने जिहड़ा कि ये अंदर जी पाइप बिछानी है। तो ये मैं तुम्हें एरिया दिखा देना, आप पूरे साइडा छुड़ा लिया ने, मिट्टी कढ़ दिती है। और आ देखो पूरे घर के आप जी कि मिट्टी कढ़ दिती है साइडा तो। इस तो बाद जी आप पाइप जी इंस्टॉलेशन करनी है, देख लो पूरे घर के मिट्टी कढ़ दिती गई है। इस अलावा मैं तुम दस देव कि असी आर पार जिमें कमरा ये बाथरूम बनया है, तो बाथरूम के आर पार करने वास्ते जिहड़ा है इस तरह का होल करते हैं ता कि पाइप घुमा के सीधा ये बाहर की पाइप कढ़ ली जाए। और
होर भी तुहानू दिखाना है किस तरह आपां होल किए ने। ये आपां होल किए ने, इधरों पाइप आएगी, इधरों बाहर निकल जाएगी। ये जिवें होल किए हुए ने, सुराख किए ने, पूरी इनफॉर्मेशन तुहानू दित्ती जाएगी इस बारे कि आपां किस तरह काम करते हैं और किस तरह कंट्रोल रहिंदी है। पूरा कंट्रोल रखेगी दीमक नू। दीमक जिहड़ी है वह दीवारां दे नाल ही चढ़दी हमेशा। ये देखो खड्डा मारा एक, ये जिवें सारे पासों जिहड़ी मिट्टी आपां कढ़ी हुई है खड्डा मारा। ये देख लो ये खड्डा एक मारा है, ये भी खड्डा मारा है। पाइप नू चारे पासे घुमाण दे लई जिहड़ा आपां नू खड्डा मारना जरूरी है। जिवें बाहर दा एरिया आ गया, फिर आपां जिवें जंक्शन बनाने हुंदे ने, जंक्शन मॉड्यूल बॉक्स लगा के इस जिवें हुण 2200 स्क्वेयर फुट है, तां आपां इहदे 3 to 4 जंक्शन बनावांगे। इत्थे साइडां ते पाइप पै जाएगी, वह भी तुहानू वीडियो च दिखावांगे। और पाइप कीड़ी यूज़ करनी वह मैं तुहानू दिखा दिंदा। इधर भी अपने पूरा साइडा खाली कर रखी ने। ये पाइप तुम दिखा रहे हैं, ये पाइप है, इनू आप फोर्स पाइप कहने, फोर्स पाइप कहने 19.5 mm की है कट दी। ये पाइप है 19.5 mm की पाइप है, और इन आप एंटी टर्माइट या पोर्स पाइप भी आप इस कह दें। ये पाइप पाने तो बाद फिर आप उपर जोड़ा रेत पानी होंगी है, मिट्टी नहीं पानी, रेत पानी है। रेत पाने का कारण यह है कि कभी भी जी पाइप है वह ब्लॉक नहीं होंगी, ब्लॉक नहीं होएगी। अगे तुम दिखावे किस तरह आप पाइप में जो इंस्टॉलेशन करना, पूरी वीडियो देखना। ये अपने पाइप इंस्टॉलेशन की है, ये देखो दीवारों के नाल नाल पूरी। ये पाइप जी दीवार के नाल नाल पूरी इंस्टॉलेशन हो गई है, तुम दिखा रहे आप पाइप जी किस तरह दीवारों के नाल नाल चलती है। और ये आप दबाने वास्ते 5-5, 4-4 फुट एरिया छड़ के आप मिक्सचर पाने बजरी सीमेंट रेता रला के, ता कि जी पाइप है उपर ना उठ सके। ये अपना इंप्लॉय लग्या है, काम कर रहा है टेक्नीशियन। ये पाइप जी है इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कुछ हो गई है, जिनी हो गई वो तुम दिखा रहे हैं। ये पाइप इतनी जिमें कट गई तो आप ज्वाइंट की, ज्वाइंट की ज्वाइनर के नाम। इतने आप जंक्शन बनाने हैं दोनों पाइपों के, इतने जंक्शन वो भी तुम्हें वीडियो दिखावे जंक्शन किस तरह बनते हैं, जितों आप दवाई पानी होंगी एंटर करनी होंगी है वो भी तुम दसागे। अजे पाइप इंस्टॉलेशन हो रही है, इस दे उपर आप जिहड़ा कि मिट्टी नहीं पानी, रेत पानी है, सेंड जिसनों आप बोल दें सेंड पावे। ये पूरी कोठी दे विच पाइप जिहड़ी आप पा रहे हैं, इस पासे भी पाइप कुछ हद तक पै गई है। ये वॉशरूम है, तो वॉशरूम दे विच भी जिहड़ी है पाइप आपने इंस्टॉलेशन करनी है। अगे जी पाइप पै रही है, चल भी फाइन रखी। इस तरह पाइप जी आप इंस्टॉलेशन करते हैं। ओके,
खोल ले, इदा ही कट ले। रेता इधर इधर पै गया है ना, तो पाइप इंस्टॉलेशन हो जाती। उस तो बाद जिहड़ा आपां इहनूं ढकना हुंदा है, इह रेत नाल ढकना हुंदा है। देख लो आपां किस तरह ढक रहे हैं, इह रेत नाल ढकिया, पूरे कवर किया है पाइप नूं। तां इस तरीके नाल आपां ने जिहड़ा रेत उपर पा देनी, रेत तो बाद आपां जिहड़ा उपरों मिट्टी नाल ढक देना हुंदा है पाइप नूं। देख सकते हो ये आप रेत जिहड़ी के पा चुके हैं, और कुछ एरिए तो फिर मिट्टी पावांगे। ये जी सैटिंग करने वाली है, ये अपने जंक्शन बॉक्स लाए ने जिथों के आप कैमिकल पाने हैं। ये जंक्शन बॉक्स होंगे, बाकी सारी पाइप जी बोर दी गई है। ये जंक्शन बॉक्स होंगे जितों आप दवाई पानी होंगी है, कैमिकल इंजेक्ट करना होंगे। इस अलावा मैं तुम्हें होर भी दिखाना कितने जंक्शन बॉक्स लगे। ये जंक्शन बॉक्स है जी, इसनों उपरों आप बंद कर देना ढक्कन, इतने जे रेत पैनी है। धन्यवाद।